सो हेलो गाइस, दोस्तों मैं हूँ अरिश, स्वागत है आप सबको अपने चलवाड़ी फ्री क्लासेस पे। दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले तो एक दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लाया जो कि बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। और बोर्ड में जो पूछा जाता है वो रिपीटेड होता रहता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये संभावनाएं आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जान लेते हैं, इसका आंसर तब तक का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन क्या है, किण्वन क्या है और इसका समीकरण लिखें, ठीक है। किण्वन क्या है सिंपल भाषा में बताना है और इसका समीकरण लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको जानते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो देखिए किण्वन क्या है, तो सबसे पहले कुछ जीवों में जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया और ईस्ट, कुछ जीवों में जैसे बैक्टीरिया तथा ईस्ट में श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है। कुछ जीव जो होते हैं बैक्टीरिया और ईस्ट, उनमें श्वसन तो होता है लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, हम लोग श्वसन करते भाई सब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो श्वसन होगा नहीं, पानी में जाते पानी में ऑक्सीजन है फिर भी हम पानी से ऑक्सीजन नहीं, यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वहीं से मिला तो मिला, नहीं तो खत्म, बिना ऑक्सीजन का तो कोई चारा नहीं है। लेकिन भाई सब कुछ जीव है जैसे बैक्टीरिया और ईस्ट, इनका श्वसन होता है तो बिना ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है तो इनका श्वसन होता है, बताइए। चलिए कुछ जीवों में जैसे बैक्टीरिया और ईस्ट क्या होता है, श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है। श्वसन में एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है, इनकी जो श्वसन होती है एल्कोहल का निर्माण होता है उसमें, इस क्रिया को किण्वन कहते हैं, ठीक है। इस श्वसन की क्रिया से एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। अब इस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं, यही किण्वन कहलाता है, ठीक है। अब किण्वन की बात करें समीकरण की, तो किण्वन का समीकरण देख लीजिए, C6H12O6 ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज। उसके बाद अनॉक्सी श्वसन जो ईस्ट में होता है, ठीक है, ये अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, जो श्वसन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना हो उन्हें अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज अनॉक्सी श्वसन ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में होता है, उसका तीर दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2C2, ठीक है, 2C2H5OH, ये क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसके बाद ऊर्जा बनता है 2 ATP में, ठीक है, यानी बहुत कम ऊर्जा बनता है, 2 ATP कितना था, बहुत कम ऊर्जा बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा बनता है और अल्कोहल बनता है, ठीक है, इससे तो ग्लूकोज और अनॉक्सी श्वसन जो होता है ईस्ट में उससे बनता है, ठीक है। तो यही था किण्वन और इसका समीकरण। तो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।